श्रीनगर में विरोध के बाद सुरक्षा बल ने मुहर्रम का जुलूस निकालने की दी इजाजत। कर्बला जाने के लिए सड़कों पर निकले लोग। शाहबहुल बड़गाम में सुरक्षा बलों का करना पड़ा विरोध का सामना। आखिरकार भारी सुरक्षा बंदोबस्त के बीच निकाला गया मुहर्रम का जुलूस। पाकिस्तान में रची जा रही है भारत पर बड़े हमले की साजिश। खुफिया एजेंसी ने आईएसआई ने इस्लामाबाद में आतंकी संगठनों के साथ की बैठक। आईएसआई ने जैश मोहम्मद, लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन और खालिस्तानी जिंदाबाद फोर्स जैसे आतंकी संगठनों के साथ की बैठक। पाकिस्तान का कश्मीर के साथ ही भारत के दूसरे हिस्सों पर भी आतंकी हमले का इरादा। खालिस्तान मूवमेंट को बढ़ावा देने की साजिश। समंदर के रास्ते से आतंकी हमले की साजिश और शायद जैश मोहम्मद। 50 आतंकियों के ग्रुप को पाकिस्तान में दी जा रही है ट्रेनिंग। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को नहीं समझ आ रही अंदरूनी मामले में दखल नहीं देने के बाद फिर छिड़ा कश्मीर में मध्यस्थता करार। ट्रंप ने कहा भारत पाकिस्तान के बीच तनाव में आई है कमी, अब दोनों देश चाहें तो मध्यस्थता के लिए हो तैयार। फ्रांस में G7 की बैठक के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने सीधे तौर पर ट्रंप से कहा था भारत अंदरूनी मामले में किसी और देश को नहीं देना चाहता कश्मीर। जम्मू कश्मीर और लद्दाख के बीच परिसंपत्तियों और देनदारियों के बंटवारे के लिए केंद्र ने बनाई 3 सदस्यीय कमेटी। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में पाकिस्तान कश्मीर पर सौंपा झूठ का पलंदा। यूएनआरसी को पाकिस्तान ने 115 पेज के झूठे आरोपों से भरा डोजियर सौंपा। पाकिस्तान के कश्मीर पर दिए डोजियर में राहुल और उमर अब्दुल्ला के बयान का जिक्र। पाकिस्तान ने इसे भी अपने पक्ष में बनाने की कोशिश की। यूएनआरसी में बोले पाकिस्तान के विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी, कश्मीर में पाकिस्तानी प्रायोजित अत्याचार को भारत के विरुद्ध मानवाधिकार का मुद्दा बनाने की कोशिश। शाह महमूद कुरैशी ने संयुक्त जांच कमेटी बनाने की भी मांग की। पीओके, बलूचिस्तान, गिलगिट, बाल्टिस्तान में अत्याचार की इंतहा पार करने वाला पाकिस्तान कश्मीर में खुद आतंकवाद को देता है बढ़ावा। अब यूएनआरसी से समाधान की मरहम मांग रहा है। पाकिस्तान के प्रोपोगंडा का भारत देगा करारा जवाब। 27 सितंबर तक चलेगा यूएनआरसी का सत्र। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण पाकिस्तानी डोजियर में राहुल के बयान को बनाती हैं मुद्दा। दी नसीहत, जब देश की सुरक्षा का हो मसला तो कांग्रेस को एक सुर में बोलना चाहिए। कांग्रेस का पलटवार, रागिनी नायक ने कहा विपक्ष का नेता भी देश का नागरिक है, उसे सवाल उठाने का हक। विपक्षी दल के साथ सरकार को इसे देखना होगा। गृह दफ्तर के बाहर पाकिस्तान के अत्याचारों की पोल खोल रहे बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के लोग। मानवाधिकार उल्लंघन से जुड़े लगाए पोस्टर और बैनर। कल पीओके के तत्ता पानी से पाकिस्तान की जुल्म की सामने आई तस्वीर। पाकिस्तान की बर्बरता पर प्रदर्शन कर रहे लोगों को पाकिस्तानी सुरक्षा बल ने बनाया था निशाना, कई नागरिक घायल। इमरान खान का न्यू पाकिस्तान की खुली पोल, उन्हीं की पार्टी के पूर्व विधायक ने पाकिस्तान में सिखों हिंदुओं पर अत्याचार की आज तक पर बयां की दर्दनाक की भयानक कहानियां। पाकिस्तान से बचकर निकले तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के पूर्व सिख विधायक बलदेव कुमार, कहा वहां सुरक्षित नहीं। खैबर पख्तूनख्वा की बेरीकोट रिजर्व विधानसभा सीट से विधायक रहे बलदेव कुमार ने कहा कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने के बाद पाकिस्तान में सिखों हिंदुओं पर हो रहा अत्याचार। बलदेव कुमार ने ननकाना साहिब में ग्रंथी की लड़की को जबरन मुस्लिम बनाने का भी मुद्दा उठाया। मोदी सरकार से अब परिवार समेत भारत में ही शरण की मांग की। रिक्वेस्ट करता हूँ, पंजाब गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज मेरी मदद की जाए, क्योंकि अब मेरे लिए बड़े इशू हो जाएंगे, मेरे लिए मसले बन जाएंगे। टेरर फंडिंग में घिरे पाकिस्तान के, बैंकॉक में दी सफाई। FATF के 125 बिंदुओं पर साफ किया अपना रुख। पाकिस्तान ने FATF को दी सफाई, प्रतिबंधित संगठनों पर कार्रवाई का दिया किया दावा। पाकिस्तान के दावे अगर झूठ साबित हुए तो पाकिस्तान को करना होगा आर्थिक प्रतिबंध का सामना। पाकिस्तान को कंगाली में आटा गीला होने का सतारा डर। कश्मीर में पिछले 3 हफ्ते में 25,000 LPG सिलेंडर की लोगों तक हुई सप्लाई। 1 सितंबर से अब तक 1.5 लाख क्विंटल चावल कराया गया मुहैया। राजस्थान के बाड़मेर में तारों के नीचे से भारतीय सीमा में घुसा पाकिस्तानी युवक, BSF ने पकड़ा। मध्य प्रदेश के 32 जिलों में भारी बारिश का अलर्ट। अलग अलग जिलों में रेड अलर्ट, ऑरेंज अलर्ट और येलो अलर्ट जारी किया गया। भोपाल में भारी बारिश के बाद बीजेपी सांसद साध्वी प्रज्ञा ने गांव का किया दौरा। घुटने भर पानी में जाकर डूबी फसलों का लिया जायजा। विदिशा में भी भारी बारिश बनी मुसीबत। सोथिया रेलवे स्टेशन के अंडर ब्रिज के नीचे पानी में फंसी कार। सीहोर में बारिश के चलते सीप नदी में उफान।
कई गांव का संपर्क टूटा। एमपी के बुरहानपुर में 6 घंटे की मूसलाधार बारिश से अफरातफरी, गलियों में 3 फीट तक जमा पानी। राजगढ़ में 24 घंटे की बारिश की वजह से सोमवार को स्कूल करने पड़े बंद, निचली बस्तियों में करीब 3 फीट तक भरा पानी। कोटा में भारी बारिश की वजह से घर डूबा, चंबल में के पानी ने मचाई तबाही। सोमनाथ में भारी बारिश की वजह से सभी डैम ओवरफ्लो, दो युवक बहे, एक को गांव वालों ने बचाया। उत्तराखंड के चकराता में अमलावा नदी के ऊपर पुल निर्माण के दौरान हादसा, खुदाई के दौरान सड़क का बड़ा हिस्सा गिरने से आवाजाही ठप। यूपी के पीलीभीत में शारदा नदी के कटान से बचने के लिए खुद ही अपने मकान को तोड़ रहे हैं लोग। नर्मदा का बड़ा जलस्तर, खरगोन में तीसरी बार बंद करना पड़ा महेश्वर अहिल्या किले का गेट। सैलाब के बीच प्रसिद्ध काल भैरव मंदिर का सिर्फ गुंबद नजर आ रहा है। इंदौर इच्छापुर स्टेट हाईवे पर बने पुल में 36 घंटे से ट्रैफिक बंद। मध्य प्रदेश के हरदा जिले में सैलाब का संकट, कंधे तक पानी में उतरकर लोग शव यात्रा के लिए हुए मजबूर। भारी बारिश से पानी पानी हुआ अहमदाबाद, सड़कों पर दिखा जल भराव, राहगीरों की मुसीबत। नवसारी में हुई मूसलाधार बारिश, बाढ़ जैसे हालात। जमशेदपुर के गुड़ा बांधा से आई हैरान करने वाली तस्वीर, एक विद्यालय में छात्रों को कक्षा में छाता लगाकर करनी पड़ती है पढ़ाई। विद्यालय की टपकती छत से छात्रों के सिर पर हर वक्त मंडराता है खतरा, 7 में से 5 कमरों की छत से टपकता है पानी। कर्नाटक के चिकोडी में गांव के करीब आया मगरमच्छ, लोगों ने रस्सी बांधकर घसीटा। सहारनपुर में अराजक तत्वों ने तोड़ी अंबेडकर की प्रतिमा, लोगों ने किया हंगामा, भारी सुरक्षा बल तैनात। बीजेपी ने अनुच्छेद 370 हटाने का दिया देश में शुरू किया प्रचार, संपर्क अभियान के लिए जयपुर पहुंचे कार्यकारी अध्यक्ष। आगरमालवा में मूसलाधार बारिश के बाद आई बाढ़, बगला मुखी मंदिर जाने का रास्ता बंद। यूपी के बाराबंकी में घाघरा का जलस्तर बढ़ा, 12 गांव में बाढ़ की मुसीबत। वडोदरा के SSG अस्पताल में लगी भीषण आग, रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। शिवनी में दर्दनाक हादसा, बस की टक्कर से बाइक सवार की मौत। हादसे के बाद बस में फंसी बाइक को 5 किलोमीटर तक घसीटता रहा ड्राइवर, चिंगारी उठने से बस में लगी आग, जलकर हुई खाक। भीलवाड़ा में हुई हैरान करने वाली वारदात, परिवार को जीवन बीमा के 50 लाख रुपए का लाभ दिलाने के लिए एक शख्स ने अपनी ही हत्या करा दी। कुछ दिनों पहले बरामद हुआ था बलवीर सिंह नाम के अधेड़ का शव, तफ्तीश में खुला राज, 80,000 की सुपारी देकर युवक ने खुद कराई थी अपनी हत्या, बलवीर पर 20 लाख का था कर्ज। कटिहार में ADM ने तोड़ा ट्रैफिक कानून, बिना हेलमेट बाइक पर किया सफर, रोके जाने पर ओहदा बजाकर चलते बने। मीडिया के सवाल पर ADM राजमोहन झा ने पहले साफ साफ झूठ बोला, कहा ऐसा कुछ नहीं किया। लखनऊ में चालान काटने के बजाय 500 रुपए घूस लेते हुए हेड कॉन्स्टेबल का वीडियो वायरल। पटना में ट्रैफिक का उल्लंघन करने वाले ट्रैफिक पुलिस का कटा चालान, सीट बेल्ट नहीं बांधने पर 1,000 रुपए का भरना पड़ा फाइन। नोएडा में वाहन चेकिंग के दौरान पुलिसकर्मी से हुई युवक की नोकझोंक, पड़ा दिल का दौरा, हुई मौत। इंदौर में यातायात पुलिस और नेताओं के बीच विवाद आया सामने, चेकिंग के दौरान ट्रैफिक महिला सब इंस्पेक्टर उज्मा खान, कांग्रेस के नेता देवेंद्र सिंह यादव से भिड़ी। कोलकाता में नया ट्रैफिक रूल लागू नहीं, पुराने नियमों के तहत ही काटे जा रहे चालान। राजकोट पुलिस ने ट्रैफिक के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए गणेश की मूर्ति का लिया सहारा, हेलमेट पहने सभी लोगों को लड्डू दिए गए। मंदसौर जिले सीतामऊ में धार्मिक विवाद की आशंका के मद्देनजर धारा 144 लागू, DM SP करते। सीतामऊ में भारी पुलिस बल की तैनाती, फिलहाल हालात सामान्य। यूपी के सहारनपुर में भीम आर्मी के प्रदर्शनकारियों ने दिया धरना, भारी भीड़ जुटने में हुआ हंगामा। पुलिस ने भीम आर्मी के प्रदर्शनकारियों पर किया लाठीचार्ज, हटाया धरना। अंबाला में महिला जवानों की भर्ती के लिए आज जम्मू कश्मीर की लड़कियों ने लिया हिस्सा, अनुच्छेद 370 हटाने को बताया सही कदम। जम्मू कश्मीर के सरपंचों ने आज उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू से की मुलाकात, वेंकैया ने कहा सरपंच केंद्र से भेजी गई आर्थिक मदद और विकास योजनाओं पर रखें नजर। उपराष्ट्रपति ने सरपंचों से कहा जम्मू कश्मीर में जमीनी स्तर पर लोगों को देना है सरकारी योजना का लाभ, अक्टूबर अंत तक जम्मू कश्मीर में होंगे BDC के चुनाव। झारखंड पुलिस का नया कारनामा, तबरेज अंसारी लिंचिंग केस में हत्या की धारा हटाई गई, हार्ट अटैक को बताया मौत की वजह। करीब 4 महीने पहले सरायकाला गांव में चोरी के आरोप में भीड़ ने तबरेज की थी पिटाई, सामने आया था वीडियो।
असम में फिर उठी बोडोलैंड की मांग, बोंगईगांव में हुआ प्रदर्शन। जेबीएम का संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार, चेन्नई से हुई गिरफ्तारी। संबल में हाई टेंशन तार से टकराया ताजिया, करंट लगने से एक शख्स की मौत, 15 घायल। हावड़ा के जगाछा में लोगों ने पकड़ा विशाल अजगर, सूचना के बावजूद अब तक नहीं पहुंची वन विभाग की टीम। राजसमंद में ट्रक की चपेट में आने से 3 बाइक सवारों की मौत, ड्राइवर पर केस दर्ज। देवघर में सराहनीय पहल, बैद्यनाथ धाम में चढ़ाए गए फूल और बेलपत्र से बनाई जा रही है जैविक खाद, किसानों के बीच उत्पाद की जाएगी ब्रांडिंग। सोनीपत में इमाम और उसकी पत्नी की हत्या करने के आरोप में एक शख्स गिरफ्तार, जादू टोने के शक में हत्या का आरोप। बागपत के मुस्लिम इंटर कॉलेज में एक शख्स की बर्बरता की तस्वीर सामने आई, छात्र कुमारी लात, डंडे से पीटा। झांसी में नाबालिग से रेप का आरोपी गिरफ्तार, बलात्कार के बाद की थी पीड़िता की हत्या की कोशिश। फरीदाबाद में 10 दिनों से लापता लड़की की हत्या की आशंका, एक फार्म हाउस में दफन करने की खबर पर पहुंची पुलिस। महाराष्ट्र के चंद्रपुर में सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी ने मिलकर गणेश की आरती की। दिल्ली के द्वारका में 13 दिन पहले हुई गोलीकांड में खुलासा, मुख्य आरोपी गिरफ्तार, पैसे के लेन देन में वारदात। दिल्ली के मणपुरम गोल्ड फाइनेंस में हेराफेरी की साजिश करने का मंडा फोड़, 4 गिरफ्तार। दिल्ली सरसरे गुड़गांव में रंगनाली के लिए बदमाशों ने 4 राउंड फायरिंग की। हरियाणा के गोहना में नाबालिग के साथ 4 लड़कों ने किया गैंगरेप, घटना के बाद सभी आरोपी फरार। वाराणसी में एक निजी अनाथालय में 3 साल की बच्ची के साथ जुल्म, सितम, चिमटे से दागने का मामला सामने आया। बरेली में दरोगा ने शोरूम के सर्विस मैनेजर से की मारपीट, पूरी वारदात सीसीटीवी में कैद। अलीगढ़ में लूट की झूठी सूचना देने वाले शख्स को पुलिस ने किया गिरफ्तार, सीसीटीवी से सच्चाई का पता चला। मेरठ में अवैध मिट्टी के तेल की बरामदगी मामले में तेल कारोबारी और मैनेजर पर FIR, प्रशासन लगवाए सीसीटीवी कैमरे। गाजियाबाद में फर्जी ADM पवन पांडे गिरफ्तार, आरोपी ने सभी आरोपों को बताया गलत। देवरिया में DPRO, ADPRO, ADO, पंचायत समेत 5 पर गैंगरेप का मुकदमा दर्ज। पाकिस्तान से आए टिड्डियों ने जैसलमेर में फसलों पर बोला धावा, भारी नुकसान के आसार। तालिबान से अफगानिस्तान शांति वार्ता पूरी तरह खत्म, ट्रंप ने कहा पिछले 4 दिनों में जितनी ताकत से तालिबान पर हुए हमले उसमें 10 वर्षों में नहीं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ओहायो में सिर फिरे शूटर को रोकने वाले पुलिस अधिकारी को किया सम्मानित। अमेरिका कोस्ट गार्ड ने दक्षिण कोरिया में कार को शिप से लापता 3 सदस्यों को बचाया। बोलिविया में जंगल की आग बुझाने के लिए रूस ने भेजा मिलिट्री प्लेन। लेटेस्ट खबरों के लिए यू ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।